हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय। स्वागत है आपके इस चैनल न्यू गैजेट्स यूज में। आज हम बात करने वाले हैं वीवो के फुली लोडेड वाले मॉडल के बारे में, जो कि वीवो जो है 3 जुलाई को फाइनली लॉन्च करने वाला है इंडिया में, जो कि है वीवो का Z1 Pro। Z1 बोलो, Z1 बोलो, एक ही बात है, तो वीवो उसको बोल रहा है वीवो का Z1 Pro, जो कि 3 जुलाई को फाइनली जो है लॉन्च होने वाला है। हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे, क्या प्राइस देखने को मिलेगी और क्या इसमें सब कुछ देखने को मिलेगा कि आप इसको बाय करना चाहिए फिर जो है नहीं, देखते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो भाई, ये जो है अनबॉक्सिंग लीक होके आ गई है। अनबॉक्सिंग लीक होके तो क्या इन्होंने खुद ने अनबॉक्सिंग की है, जो कि है स्मार्ट पिक्स। आप देख सकते हैं ये वाली जो है डिटेल है अनबॉक्सिंग में, जो इन्होंने क्योंकि अनबॉक्सिंग की है, तो देखते हैं यार क्या क्या फीचर आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। जो कि है 6.53 इंच का डिस्प्ले साइज, जो कि आप ये देख ही सकते हैं। इसका जो बैक डिजाइन है वो मैच करता है जो कि हमने रिसेंटली अनबॉक्सिंग की थी वीवो का Y15, मतलब सेम जो है बैक डिजाइन मैच करता है। सिर्फ कलर शेड का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर जो है डिजाइन बिल्कुल जो है ऑलमोस्ट सेम है। 99% जो है ऑलमोस्ट सेम है डिजाइन Y15 और वीवो का Z1 Pro का, मतलब है डिजाइन उठा के यहां से वहां डाल दिया, तो बता देता हूं। तो देखो, फुली लोडेड वाला जो मॉडल है सिर्फ आने वाला है एक्सक्लूसिव ऑनलाइन, मतलब ऑफलाइन में आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। 6.53 इंच के डिस्प्ले साथ में, जो कि है IPS डिस्प्ले, पंच होल वाला डिस्प्ले, मतलब जो सैमसंग बोलता है उसको इन्फिनिटी ओ वाला और बाकी सब बोलते हैं पंच होल डिस्प्ले, तो कुछ इस तरह का डिजाइन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके वेरिएंट की, चिपसेट परफॉर्मेंस की। यहां पर इंडिया का पहला ऐसा फोन होगा जहां पर आपको जो है स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट जो है देखने को मिल जाएगा इस वाले फोन के अंदर, जहां पर आप एक अच्छा परफॉर्म जो है देख सकते हैं। मतलब यार ये अपग्रेडेड वर्जन है जो कि है स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट वाला है, तो देखते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्मेंस ये जो फोन दे पाता है, क्या ये बीट कर पाएगा स्नैपड्रैगन 730 को, कुछ परफॉर्मेंस बीट कर पाएगा या फिर जो है नहीं, देखेंगे जब ये फोन जो है हमारे पास अवेलेबल होगा। इसी के साथ में बात करते हैं फुली लोडेड वाले मॉडल के बारे में। तो यहां पर आपको जो है ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि है 16 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, मतलब अल्ट्रा वाइड नहीं बोलता वीवो, बोलता है वाइड, जो कि 120 डिग्री पे जो है कैप्चर करता है, और 2 MP का डेप्थ सेंसिंग। लेकिन आपको बता दूं जो 2 MP का जो कैमरा है वो इतना अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने Y15 में देखा है, Y17 में देखा है, इतना मजा नहीं आता वीवो के 2 MP डेप्थ सेंसिंग के साथ में। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, तो आपको मिलता है 32 MP का फ्रंट कैमरा, जहां पर आप अपनी एक अच्छी सी इमेज जो है कैप्चर कर सकते हैं। बात करते हैं यहां पर फुली लोडेड की बैटरी की, तो आपको मिल जाती है यहां पर 5000 mAh की बैटरी, जहां पर हम अब ये बोल सकते हैं कि यदि 5000 mAh की बैटरी वाला वीवो Z1 Pro M30 की बैटरी को टक्कर दे पाएगा। अदरवाइज अभी तक ऐसा कोई फोन नहीं था जो कि M30 की बैटरी को टक्कर दे पाए, लेकिन स्टिल अभी भी जो है बहुत ज्यादा चांस रहेगा कि M30 विनर रहे, क्योंकि वहां पर आपको M30 मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका परफॉर्मेंस जो है बैटरी का थोड़ा सा और इंप्रूव हो जाता है। तो वहां पर आपको जो Z1 Pro के अंदर है वहां पर मिल रहा है IPS डिस्प्ले, तो बेटर मैक्सिमम चांसेस है कि M30 अभी भी बैटरी के मामले में जो है विनर रहेगा। साथ में बात करते हैं यहां पर सिक्योरिटी की, तो आपको जो है फोन के बैक साइड में जो है फोन की फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी आपको जो है देखने को मिल जाती है, एंड साथ में आपको फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि यार वीवो का फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जो है काफी फास्ट होता है, तो यार ये जो है बिल्कुल हम उससे हैप्पी होंगे। मतलब यार ये फोन जो है पूरा जो है फुली लोडेड है, जैसे इसका वीवो जो है यहां पर टैग है फुली लोडेड फोन, उस तरीके से हमको भी लगता है कि ये फुली लोडेड फोन है एक बजट सेगमेंट के अंदर। अब आते हैं वेरिएंट की बात पे, तो वीवो की जो है यहां पर कंफर्म हो गया है वीवो की तरफ से, जो कि है 4GB 64GB एंड 6GB 128GB, जिसका प्राइस हो सकता है एक्सपेक्टेड प्राइस जो कि है 20,000 रुपए के अंदर। अब यार देखो 18, 19, 20,000 रुपए का होगा वो होगा या 4GB वाला वेरियंट या 6GB वाला वेरियंट, इसका अभी तक कोई भी जो है लीक्स नहीं है। यहां पर जो मुझे लगता है वो लगता है कि 4GB जो वेरियंट वाला है वो ही 20,000 रुपए के अंदर होगा, और 6GB वाला जो है यहां पर 20,000 के अपर हो सकता है। अगर यार यहां पर 18, 19,000 रुपए का 4GB वाला वेरिएंट लॉन्च होगा, तो थोड़ा सा यार यहां पे हमें बोलूंगा कि ये थोड़ा सा अपर प्राइस में है। अगर जो है ये फोन 4GB वाला 16-17 हज़ार रुपए तक ये फोन हो, तो शायद ये मार्केट में जो है धूम मचा सकता है। और उसी के साथ में मैं बात करूं 6GB रैम वाले वेरिएंट के, तो मैं बोलना चाहूंगा यार ये वाला फोन जो आ जाए या तो 19,000 रुपए का या फिर 20,000 रुपए का, तो शायद 6GB रैम वाला 20,000 रुपए का आता है, तो शायद यहां पे बहुत सारे फोन को जो है किल कर सकता है, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी M40 को जो है बॉल से टक्कर दे पाएगा, साथ में Redmi Note 7 Pro को टक्कर दे पाएगा, Realme 3 Pro को टक्कर दे पाएगा, तो यार ये जो है बेस्ट डिवाइस होने वाला है अगर इसका प्राइस जो है बेस्ट होता है। तो यार ये था
था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स में, और कमेंट कीजिएगा आपके क्या मानना है Vivo Z1 या Z1 Pro के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करो सब्सक्राइब, आपको मिलेगा इस वीडियो के लाल कलर बटन जो कि होगा सब्सक्राइब का, दबा के कर देना, उसके साथ में जो है बेल आइकन पे क्लिक करना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।